नमस्कार, आप देख रहे हैं जी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। रात के 8 बज चुके और वक्त हो चुका है आज के सबसे बड़ी बहस यानी कि न्यूज एंड व्यूज का। शतरंज के खेल में कहा जाता है कि हर कैरेक्टर काफी अहम होता है, इसीलिए एक प्यादे की भी चाल काफी संभल कर चली जाती है और राजस्थान के राजनीति में भी ऐसा ही है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपने अपने आप को राजस्थान के मुख्य पार्टियां, बड़ी पार्टियां मानती है, लेकिन कभी कभार छोटी पार्टियां खेल बिगाड़ देती हैं। और ऐसी ही एक पार्टी यानी कि बहुजन समाज पार्टी राजस्थान में प्रभाव रखती है कई इलाकों में, उसके प्रभाव को समझेंगे। विधानसभा में 6 सीटें निकालकर बीएसपी ने ये तो साबित कर दिया है कि वो भी लड़ाई में खेल बिगाड़ने का मादा रखती है, भले से ना जीते। हालांकि मिशन 25 में जुटी बीजेपी भी अब अनुसूचित जाति और जनजाति के वोटरों को साधने की पूरी कवायद कर रही है, वहां पर लोगों को भेज रही है अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को। पार्टी इनके लिए खास रणनीति बनाकर उस पर काम कर रही है। आज चर्चा करेंगे, समझेंगे लोकसभा चुनाव में इस बार बीएसपी की भूमिका, राजस्थान के परिदृश्य में क्या कुछ होने वाली है। सबसे पहले एक रिपोर्ट, उसके बाद मेहमानों के पास। मरुधरा का मैदान तैयार हो चुका है। कांग्रेस और बीजेपी ने अपने अपने पहलवान उतार दिए हैं। बीजेपी जहां फिर से 25 सीटों पर कमल खिलाने के लिए पसीना बहा रही है, तो वहीं कांग्रेस सत्ता में वापसी कर हाथ को मजबूती देने की कोशिश में जुटी है। लेकिन सूबे की दो बड़ी पार्टियों के बीच बहुजन समाज पार्टी के हाथी ने हुंकार भर दी है, जिससे बीजेपी और कांग्रेस दोनों के सियासी मैदान से धूल उड़ रही है। भरतपुर, करौली, अलवर, धौलपुर में बीएसपी का अच्छा जनाधार माना जाता है, क्योंकि ये इलाके यूपी के सीमा से लगते हैं। बीएसपी के प्रभाव से घबराई कांग्रेस और बीजेपी दलितों के वोटों को अपनी तरफ लुभाने में जुटी है। बीजेपी ने दलित वोटों को साधने के लिए कमर कस ली है। इस रणनीति के तहत बीजेपी कार्यकर्ता दलित बस्तियों में जाकर बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे और केंद्र सरकार की उपलब्धियां समाज को बताएंगे। वंचित इन वर्गों के लिए और उनका जल्दी से जल्दी विकास हो, कोई पीछे न छूट जाए, ये प्रधानमंत्री जी की हमेशा भावना रही है बचपन से। हाल ही के विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने भरतपुर और अलवर में 2 सीटों पर जीत हासिल की। इस तरह बीएसपी ने विधानसभा चुनाव में 6 सीटों पर जीत का परचम लहराया था। यही वजह है कि बीजेपी और कांग्रेस में दलित वोट बैंक के लिए जंग छिड़ गई है। बीजेपी और कांग्रेस को डर है कि कहीं हाथी उनके अरमान पर अपना पाँव न डाल दे, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक सूबे में 13% आबादी अनुसूचित जाति की है। ऐसे में सवाल है कि क्या बीजेपी और कांग्रेस का खेल बीएसपी बिगाड़ सकती है। प्रदेश में पिछले दिनों बीजेपी नेताओं की प्रवास बैठकों के दौरान अलग अलग जगह अनुसूचित जाति के वोटर्स को लेकर पार्टी के सामने चिंताजनक स्थिति उभरी है। उसी के बाद बीजेपी अब ज्यादा सतर्क हो गई है और दलित वोटों पर पार्टी ने ज्यादा फोकस करने की रणनीति बना ली है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ शशि मोहन, जी मीडिया, जयपुर। देखिए, बीजेपी सतर्क हो गई है बीएसपी से भी, क्योंकि बीएसपी ने विधानसभा चुनाव में पहले कांग्रेस के साथ जाने का फैसला किया, बात नहीं बनी तो अकेले लड़ गए, 6 सीटें निकाल ले गई। अगर ये 6 सीटें कहीं न कहीं अगर बीजेपी के खाते में गई होती तो बीजेपी थोड़ी मजबूत होती। लेकिन इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर बीएसपी चुनाव नहीं जीतेगी तो इतना तो मादा रखती है कि चुनाव में समीकरण बिगाड़ सकती है, किसी के भी प्रत्याशी के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। हमारे सभी मेहमान जुड़ गए हैं कि करके परिचय करवाते हैं, उसके बाद समझेंगे कि बीएसपी की भूमिका इस बार राजस्थान लोकसभा चुनाव में क्या कुछ होने वाली है। विष्णु कुलवाल साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं, अलका सिंह गुर्जर हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, ओम सैनी साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और आरसी चौधरी साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। विष्णु कुलवाल साहब, सबसे पहले शुरुआत में आपसे करूंगा, 19 योद्धा आपने उतारा, 1 योद्धा को चुनाव आयोग की तरफ से खारिज कर दिया गया, 18 बचे हैं, 18 में से कितनी सीटों पर दावा करती है बीएसपी की चुनाव इस बार निकाल ले जाएगी? नहीं नहीं संजय जी, बहुजन समाज पार्टी
राजस्थान की सभी 25 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। अच्छा, ये अलग बात है कि कोई नामांकन खारिज होता है कि नामांकन रद्द होता है, वो विषय अलग है। सवाल है बहुजन समाज पार्टी सर्वदलों की पार्टी है और सर्व समाज की पार्टी है। हम हमारी पार्टी जातिवाद में विश्वास नहीं करती। हमारी पार्टी सिर्फ गरीबों के साथ विश्वास करती है। गरीबों के साथ देखिए, और बहुजन समाज मुस्कुरा रहे हैं जब जैसे आपने कहा जातिवाद पे विश्वास नहीं करती। हाँ बोलिए सर, बोलिए। देखिए बिल्कुल, देखिए हकीकत तो देखिए, जातिवाद पे जो विश्वास करता है वो तो आप भी देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जातिवाद के आधार पर टिकट बांटती है। हमारी पार्टी जातिवाद पे टिकट नहीं बांटती है। अच्छा, सर्व समाज के लोगों को टिकट देती है और उनको देती है जो जीतने वाले उम्मीदवार होते हैं। तो सर ऐसा क्यों हुआ कि कभी आप 6 सीटें निकालते थे, कभी 3 सीटें, कभी 6 सीटें, लेकिन इसके ऊपर नहीं बढ़ पाए? अगर वाकई में सर्व समाज में आपकी राजस्थान में अप्रोच है, राजस्थान में सबके बीच में आपकी लोकप्रियता है आपके पार्टी की, तो ऐसा क्यों होता है कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में सूपड़ा साफ हो जाता है? आप तो राष्ट्रीय पार्टी है। देखिए ये जनता का फैसला है, जनता का फैसला है, जो जनता फैसला करती है उसको हमारी पार्टी अपने सिर और माथे से लगाती है। देखिए जनता से बड़ा कोई नहीं है, मतदाता जो होता है वो अपना फैसला अपने आधार पे लेता है, पार्टी के आधार पे कम लेता है। और आज यही कारण है कि बहुजन समाज पार्टी राजस्थान की सभी 25 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। अब वो जीत हार ये अलग विषय है। नहीं, मैं विष्णु साहब आपसे जानना चाहता हूं जीतेंगे कितने पे? ये जैसे बीजेपी दावा कर रही 25, संजय जी कांग्रेस दावा कर रही 25, सर आप भी बता दीजिए कितने पे जीत जाएंगे? हम लोग झूठ नहीं बोलते। जैसे भारतीय जनता पार्टी भी 25 भी जीत रही है और कांग्रेस भी 25 भी जीत रही है, क्योंकि कुल सीटें 25 है तो बाकी तो कोई जीत ही नहीं रहे। तो पहले इन दोनों से ये पूछ लो कि भाई तुम कितने जीत रहे हो, वो तो बता दिए, फिर हम देख लेंगे भाई हमारी स्थिति क्या है। वो तो बता दी, आपके लिए छोड़ा ही नहीं, हमारी स्थिति अच्छी रहेगी, उन्होंने बता दिया, आपके लिए छोड़ा ही नहीं। छोड़ा नहीं, कोई बात नहीं है, हम इनको छुड़वा देंगे। ठीक है, आरसी चौधरी साहब उन्होंने कहा हम इनको छुड़वा देंगे, यानी भाई देखो गेम चेंजर की भूमिका, गेम बिगाड़ने की भूमिका में बीएसपी तो आई जाएगी। 4-5 सीटें जो करौली धौलपुर भरतपुर समेत आसपास के इलाके हैं, यूपी समेत हरियाणा के, आप भी जानते हैं कि प्रभाव है, 6 सीटें विधानसभा की निकाल ली गई। और जो 19-20 उम्मीदवारों का नाम मेरे पास इस वक्त है बीएसपी का, उसमें कहीं ना कहीं हर जगह कांग्रेस का ही गेम बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या वाकई में बीएसपी कांग्रेस के लिए हानिकारक साबित होगी, ऐसा लगता है क्या? कहीं पर गेम बिगड़ सकता है या हर जगह डोमिनेट है आप लोग? संजय जी, निश्चित रूप से लोकतंत्र के अंदर बहुदलीय व्यवस्था है और उस व्यवस्था के तहत किसी को भी चुनाव लड़ने का अधिकार है। और कई समय में ऐसा होता भी रहा कि कैसे प्रत्याशी खड़े कर दिए जाए ताकि किसी अमुक दल के वोट काट लिए जाएं। लेकिन मुझे जब पूर्व चुनाव के जब नतीजे देखता हूं तो ये लगता है कि राजस्थान की जनता बड़ी सजग है। सजग को इस रूप में मानता हूं कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने 2013 का जो विधानसभा चुनाव था उसमें 162 सीटें जीती थी, एक उपचुनाव में दोबारा जीती तब वो 163 सीटें हुई थी। लेकिन जब 2014 का लोकसभा चुनाव आया तब 179 विधानसभा सीटों पे भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के दौरान विजय प्राप्त की। आखिर प्रदेश की जनता जानती है कि किस प्रकार राज्य है वो सर्वांगीण विकास की तरफ बढ़ सके, किस प्रकार जो राज्य है उसके हित हैं वो इस संघीय व्यवस्था के अंदर साकार हो सके, इसलिए प्रदेश के मतदाता थोड़ी डरती भी है। कांग्रेस के मतदाता इतने जागरूक हैं कि अब ये वोट कटाऊ दल आरसी चौधरी साहब बीएसपी थोड़ी डरती भी है कांग्रेस से, वो एक जानते हैं, डरती इसलिए है कि क्या पता चुनाव के बाद कुछ लोग भाग जाएं 2008 की तरह। देखिए ये तो मैं लोकतंत्र के अंदर सबकी व्यवस्था है, अगर वो भाग जाते हैं, एक तो भागने की है, दूसरी तरफ भाजपा ऐसे भी डर सकती है कि भारतीय जनता पार्टी या तो खरीद लो या फिर फिट कर दो, उनसे भी भय हो सकता है। तो इस लोकतंत्र के अंदर जो भय स्वेच्छा से किसी दल में चले जाओ मैं उसको भय नहीं मानता, मैं उसको मानता हूं जिसको मजबूर कर दिया जाए और उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करने के लिए मजबूर कर दिया जाए। इसलिए ठीक है, बसपा के जो कार्यकर्ता है वो जो नहीं बोली अपनी बात पूरी करिए, जानते हैं कि वो दबाव में नहीं आ सके और ना दबाव पे आ सके, और क्या राजस्थान के अंदर कौन निर्णायक चुनौती देगा भाजपा को, तो उन्हें लगता है कि कांग्रेस के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, तो कांग्रेस है वो 25 के 25 सीटों के ऊपर गठबंधन क्यों नहीं किया लहराएगी, गठबंधन क्यों नहीं किया अपने पूर्व मंत्री रहे केंद्र सरकार में, उनकी टिकटें काट रही है कांग्रेस, महागठबंधन की बातें करने वाले प्रदेश में कांग्रेस पार्टी कहती कि भाई सपा बसपा ने हमें मौका ही नहीं दिया, राजस्थान पे आपके पास मौका था बीएसपी को साथ में ले लेते।
देखिए मैं कह रहा हूं कि राजस्थान के जो मतदाता हैं, मैंने उनके आंकड़े बताए, तथ्य बताए, और संजय जी राजस्थान की जनता बेहद जागरूक है। हाँ। ये विकास के मुद्दे पे जाती है, ये जातिवाद के मुद्दे पे नहीं बढ़ती है, यूपी की तरह या बिहार की तरह, दूसरे दलों की तरह, दूसरे राज्यों की तरह। राजस्थान अपने राज्य को, राजस्थान का मतदाता राजस्थान को अग्रणी इस देश के अंदर राज्य रखना चाहता है, और उसके लिए कांग्रेस है वो ही एक चौधरी साहब। लेकिन अगर ये विधानसभा चुनाव होता तो ये तर्क वाकई में आपका सही समझा जाता। अगर ये विधानसभा चुनाव होता, देश का चुनाव हो रहा है, देश के ये आम चुनाव हो रहा है, लोकसभा चुनाव, वैसे में आप वहां तो गठबंधन कर सकते हैं अगर ऐसा मौका मिला, लेकिन यहां पर आप कतरा रहे, उसके बाद कह रहे हैं कि भैया यूपी की राजनीति अलग है, राजस्थान की राजनीति अलग है। ठीक है, आएंगे एक बार फिर से आपके पास। अलका सिंह जी, ये बताइए कि 6 सीटें निकालकर बीएसपी ने विधानसभा चुनाव में आपका गणित बिगाड़ा, 6 सीटें निकालकर आपका गणित बिगाड़ा, हालांकि बहुमत के करीब और बहुमत पा जाने के बाद जो है कि कांग्रेस पार्टी ने सरकार बना ली, क्या आपको लगता है कि वाकई में एक बार फिर से बीएसपी यहां पर कुछ इलाकों में गेम चेंजर बन सकती है, या फिर समीकरण बिगाड़ने में उसकी भूमिका वाकई में होगी, नुकसान पहुंचाएगी? देखिए संजय जी, राजस्थान के संदर्भ में अगर हम बात करें तो यहाँ पर द्विदलीय सिस्टम ही चलता है। विधानसभा चुनाव में जहां तक आप कह रहे हैं 3 सीटें आ गई, इनको विधानसभा चुनाव में 3.1% वोट्स मिले थे और 2.1% इनको लोकसभा चुनाव में पिछली बार मिले थे, तो वोटिंग परसेंटेज कम है, लेकिन इक्वेशन इस तरह की हो जाती है कि इनकी 3 सीटें आई और अब की बार 6 सीटें आ गई। और जहां तक कैंडिडेचर का आप देखें, जैसे भाजपा ही होता है तो पूरा भाजपा ही पूरे समय भाजपा में रहने वाला होता है और वो टिकट लेके आता है, इसी तरह कांग्रेस ही है। लेकिन बसपा का में क्या होता है, क्योंकि अगर मैं ये कहूं कि ये यूपी की पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी की तरह रजिस्टर्ड ये नेशनल पार्टी है, यूपी में इसका बहुत अच्छा वर्चस्व हो सकता है, लेकिन राजस्थान में इस तरह की स्थिति नहीं है। राजस्थान में 6 विधानसभा सीटें निकालना, क्या वाकई में ये लगता है कि आपको वर्चस्व नहीं है? ये मेरा मत बता, हाँ, 6 विधानसभा सीटें, वही मैं कह रही हूँ कि 6 विधानसभा सीटें कैसे निकाली है, इक्वेशन इस तरह की हो जाती है, और कई कैंडिडेट्स जो दूसरे दलों में कोशिश करते हैं और जब नहीं मिलता है तो सुविधा अनुसार वो बसपा के साथ भी कई बार चले जाते हैं, और इक्वेशन इस तरह की बन जाती है, क्योंकि कुछ वोट बैंक ये मान के चलते हैं कि बसपा के साथ है। तो सवाई माधोपुर में मुझे तो लग रहा है कि बीएसपी गेम बिगाड़ रही है, आपका भी कांग्रेस का भी चुनाव होता है। टोंक सवाई माधोपुर में लक्ष्मीकांत बैरवा, आपका भी और कांग्रेस दोनों का गेम बिगाड़ रहा है ऐसा कहा जा रहा है लोकसभा? नहीं 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 संजय जी, 8 विधानसभा क्षेत्र होते हैं और मुझे नहीं लगता कि इसमें इस तरह का, और अब ये जो चुनाव हो रहा है तो राष्ट्र के लिए चुनाव हो रहा है, ये मोदी जी की लीडरशिप के लिए, विकास के लिए चुनाव हो रहा है, राष्ट्रवाद की भावना के साथ देश की सुरक्षा के लिए चुनाव हो रहा है, इसमें इन सारी चीजों में आम जनता नहीं फंस रही है। और कांग्रेस ने जो अभी 150 दिन हुए इसमें जो धोखेबाजी की और किसी भी वर्ग को संतुष्ट नहीं कर पाई है, तो निश्चित रूप से ये तो क्लीन स्वीप होगा, फिर 25 की 25 सीटें। जब इंट्रो कर रहा था तो मैंने एक लाइन कही थी कि शतरंज में जो प्यादे होते हैं उनको भी बड़ा साध कर चला जाता है, कहीं आप दोनों पार्टियां ये बड़ी पार्टियों के भ्रम में कहीं छोटी चूक ना हो जाए और ये गेम बिगाड़ दे। चलना चाहिए लेकिन राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा। अच्छा सैनी साहब, अब आप ये बताइए, तीनों को आपने सुना, वाकई में बीएसपी की भूमिका कहां आप देखते हैं? देखिए कुल मिलाकर के भारतीय बहुजन समाज पार्टी एक वक्त में तो सोशलिस्टों की पार्टी थी, उसमें कोई शक नहीं जैसा मायावती और काशीराम जी कह रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपना परिवर्तन किया है। वो कांग्रेस के साथ में भी बैठ सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ में बैठ सकते हैं और स्वतंत्र रूप से विस्थापित हो सकते हैं। ये एक इतिहास है। बिल्कुल, यूपी में सरकारें बनाई है बीजेपी के साथ मिलकर, कांग्रेस के साथ मिलकर केंद्र सरकार में रही है, वाकई में आपने सही कहा। नहीं, राजस्थान में भी हमारे साथ में हमने देखा है कि कांग्रेस पार्टी के साथ में बसपा ने अपने आप को जोड़ करके रखा और जब ऐतराज हुआ तो सारे के सारे कांग्रेस में शामिल हो गए, वो अलग बात है। तो ये इस अच्छा दूसरा एक बड़ा इंटरेस्टिंग करेक्टर ये है कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी से या कांग्रेस से वंचित होते हैं वो तत्काल बसपा के पास में जाते हैं और बसपा उनको अपना उम्मीदवार बना के खड़ा करती है, तो वो अपनी और वो एक खास किस्म की जाति के साथ में जाते हैं और अपने को जो दलित जाति है उनका सारा सपोर्ट हासिल करके वो विधायक तो बन गए हैं, लेकिन लोकसभा में ऐसा कुछ कर पाएंगे ऐसा समझ में इसलिए नहीं आता कि जो सारे रिजल्ट देखे हैं विधानसभा के और जहां पर इनके खतरे की बात बताई जाती है वहां पर एसटी का बड़ा दबदबा है, जैसे करौली और सवाईमाधोपुर की बात है तो वहां इस तरीके की कोई बात हो नहीं पाएगी क्योंकि
जो डोमिनेटिंग है वो एसटी का वोट है, तो बहरहाल खतरा तो निश्चित रूप से है। बिल्कुल सही भाई, खतरा तो है ना, 25 में से एक भी घट गई गठबंधन। सही, बिल्कुल सही आपने कहा सैनी साहब, 25 में से एक भी घट गई तो खतरा तो है। और एक सीट पर बीएसपी कैसे गेम बिगाड़ती है, किस तरीके से वो बार्गेनिंग करती है, ये भी सबको पता है। मायावती बहुत, इसीलिए कहा जाता है कि राजनीतिक तौर पर उनका दिमाग बहुत तेज चलता है। ये बताइए विष्णु कुलवाल साहब, 30 साल के आसपास राजस्थान की राजनीति में सक्रिय होते आपकी पार्टी को हो चुका है, लेकिन क्या कारण रहा है कि 6 सीट से ऊपर आगे नहीं बढ़ पाई और अपना विस्तार राजस्थान में नहीं कर पाई है पार्टी? क्या वाकई में बहन जी नहीं चाहते कि यहां भी पैर पसारा जाए, या कुछ और कारण है, यहां पर वोटर नहीं मिल पा रहे? संजय जी देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात बता दूं, आज जैसे भी अलका जी बोल रही थी कि जब यूपी की पार्टी है, राजस्थान की पार्टी नहीं है, तो इनको बता दें अगले आने वाले लोकसभा चुनाव में कहीं ये भी यूपी की पार्टी में एक सिर्फ यूपी की पार्टी बन के रह जाए, कहीं को यह पता नहीं पड़ा कि हम कहां जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, ये दोनों पार्टियां ऐसी है जिन्होंने जिनको वक्त आने पर ये दोनों एक साथ मिल जाते हैं, क्योंकि हम गरीब लोग हैं, हम गरीबों की पार्टी है, हम गरीबों की मछलियां तकलीफ होती है। भारतीय जनता पार्टी दोनों को बहुत तकलीफ होती है। आज हम चुनाव लड़ते हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का काम है, ये भूल जाते हैं कि हमारा कोई दल है, ये दोनों बहुत समाज पार्टी के आप गरीबों के नाम पे राजनीति जरूर करते हैं, शोषितों के नाम पे राजनीति करते हैं, लेकिन आप गरीब। आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमको 6 सीट तो दी, ये लोग तो ऐसे पीछे पड़ते हैं हमारे, क्योंकि देखो हमारे पास पैसा तो है नहीं, विष्णु कुलवाल साहब, विष्णु कुलवाल साहब आपकी सरकार ने बड़े बड़े पत्थर लगाए थे, प्रॉपर्टी आप छीन लो, आपकी सरकार ने बड़े बड़े पत्थर लगाए थे यूपी और नोएडा में, आप ले लो, हम छीन लो, विश्वास नहीं करते, हम सबका साथ, नहीं गलत गलत बात, हम गलत चीजों में विश्वास नहीं करते, लेकिन ये कहना कि गरीबों की पार्टी है, आप शोषितों के नाम पे राजनीति करते हैं। बाकी आरसी चौधरी साहब, आप बड़े शांत तरीके से बैठे, क्या वाकई में कांग्रेस को मजा आ रहा है क्या? कांग्रेस को डर नहीं है? बीएसपी वाकई में किसी का खेल बिगाड़ सकती है, कांग्रेस का भी? बेंजी के पास पैसा नहीं है। आप चुपचाप सुन रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, बिल्कुल वो दोनों लोग आपस में अपनी अपनी बातें कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस बड़े इत्मीनान से सुन रही है बातों को। संजय जी, मैं एक प्रादेशिक प्रवक्ता हूँ, इसलिए मैं राष्ट्र के बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा, मैं तो राजस्थान के बारे में जानता हूँ। राजस्थान का जो 2014 अरे भाई नहीं, चौधरी साहब ठीक है, आप प्रादेशिक प्रवक्ता हैं, लेकिन कम से कम तीनों पार्टियां राष्ट्रीय हैं ना, राजस्थान के मतदाता, तीनों पार्टियां राष्ट्रीय हैं, तीनों पार्टियों के बारे में आप जानते हैं अच्छी तरीके से? मतदाता है वो जानता है कि उनके साथ कौन कंधे से कंध। कंधे से कंधा मिला के चल सकता है, इसलिए राजस्थान के अंदर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से एक समाज को दूसरे समाज के और वर्ग के खिलाफ में खड़ा किया, जिस प्रकार से राजस्थान को विकास से वंचित रखा, जिस प्रकार से राजस्थान को आपने आपने किए यही करते रहे, और राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ रही है। अलका सिंह जी का पार्टी के पास, अलका सिंह ये बात आप कैसे कह रही के तौर पर, अलका सिंह मैं आपको रोकना चाहूंगा, अलका सिंह गुर्जर की बात मैं आपको रोकना चाहूंगा यहाँ पर। आरसी चौधरी साहब रुकिए एक मिनट, इन्होंने कहा कि हम तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करते और किसी जात पात की राजनीति नहीं करते, धर्म की। ये बताइए विधानसभा चुनाव में यूपी के मुख्यमंत्री आकर अली बजरंग बली क्या कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, अगर वाकई में कांग्रेस बीजेपी ऐसी राजनीति नहीं करती है तो? अली बजरंग बली की राजनीति का मतलब क्या था? निश्चित रूप से ना धर्म के आधार पर राजनीति करती है, ना जाति के आधार पर राजनीति करती है, किसी किस संदर्भ में उन्होंने वो बात कही उस बात को देखना आपको जरूरी है। बाकी हम कभी तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करते। सैनी साहब, मैं अगर गलत बोला तो आप टोकिएगा। कांग्रेस के पास और अली का वोट कांग्रेस को जाए, बजरंग बली का वोट बीएसपी को जाए, बीजेपी को जाए, बन भी नहीं सकता। और अलका सिंह गुर्जर कह रहे हैं कि किस संदर्भ में उन्होंने कहा था, और वही डायलॉग इस वक्त दोहरा रहे यूपी में लोकसभा चुनाव में। अलका जी की तारीफ करनी चाहिए कि जिस खूबसूरती से उन्होंने योगी जी को बचाया वो कमाल की बात है, कि अली या बजरंग बली। अगर आप इन स्टेटमेंट्स पे जाएंगे तो स्टेटमेंट्स कांग्रेस के शशि थरूर से लेके मनीष शंकर अय्यर, तो बातें मत कहिए ना, कांग्रेस कहाँ कह रही है कि हम नहीं करते, कम से कम 5-7 तो मत बनिए, कम से कम 5-7 तो मत बनिए, इस बात को बोलिए कि हमारे नेताओं ने ऐसा बयान दिया है, ध्रुवीकरण की राजनीति की है, प्रधानमंत्री है उनके बारे में जो
जो उनके बारे में जो बातें इनके राष्ट्रीय नेता कहते हैं वो निश्चित रूप से शर्मनाक है। अगर आप स्टेटमेंट्स पे जाएंगे तो स्टेटमेंट्स को जितनी जितनी गिरावट कांग्रेस के स्टेटमेंट्स में आई है उतनी नहीं है, क्योंकि उनके पास कहने को कुछ भी नहीं है। राजस्थान में तो तुष्टिकरण की राजनीति के बयान से मैंने ये सवाल पूछा था और वही डायलॉग इस वक्त दोहराया जा रहा है, इसका असर पड़ता है, तभी नेता ये बातें बोलते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आरसी मुद्दे पर आते हैं, मुद्दे पर आएंगे। आरसी चौधरी साहब मैं आपके पास आना चाहूंगा, अलका सिंह गुर्जर मैं रोकना चाहूंगा, सुन लीजिए एक सेकंड सुनिए, पूरे मुद्दे पर वापस आते हैं, इधर उधर की बातें करने के बजाय फिर कभी बैठेंगे, ये तो मुद्दा रोज का बीएसपी आ जाइए। आरसी चौधरी साहब मेरे पास एक सूची है, लिस्ट है, उसमें किन किन सीटों पर कांग्रेस का गेम बीएसपी बिगाड़ रही, खेल बिगाड़े, जरा वो सुनिए, उसके बाद मैं आपका जवाब लूंगा। वीरेंद्र सिंह बिदुड़ी को जयपुर ग्रामीण से टिकट मिला है, गुर्जरों का वोट यहां सीधा कट रहा है। राजकुमार बैरवा करौली धौलपुर कांग्रेस से बागी होकर आपने टिकट नहीं दिया, वहां चले गए, वो भी गेम बिगाड़ रहे हैं। इमरान खान अलवर से यहां पर कांग्रेस की नींद उड़ी हुई है। पंकज चौधरी बाड़मेर से हैं, यहां पर हालांकि उनका टिकट निरस्त कर दिया गया, उनका वो अलग बात है। भागीरथ विश्नोई जालौर से विश्नोई बाहुलता यहां पर है, विश्नोई को उन्होंने टिकट दिया, बीएसपी ने वहां पर भी कहीं ना कहीं हालात खराब हैं। जगदीश शर्मा चित्तौड़गढ़ कांग्रेस से, यहां पर नुकसान कांग्रेस को होता दिखाई दे रहा, जगदीश शर्मा बीएसपी से हैं। हरीश कुमार कोटा से, कोटा में भी कांग्रेस को नुकसान क्योंकि बीजेपी ने ताकतवर और मजबूत उम्मीदवार को उतारा है। नमो नारायण मीणा यहां बीजेपी का बात है, लक्ष्मीकांत बैरवा यहां पर नुकसान कर रहे बीजेपी को। लेकिन भैरव राम मेघवाल बीकानेर में, यानी कुल मिलाकर 6-7 सीटें मेरे पास इस वक्त दिखाई दे रही हैं जहां पर कांग्रेस को सीधा सीधा बीएसपी उनके वोट बैंक में सेंधमारी कर रही। मिशन 25 को लेकर क्या 7-8 सीटें, तो यही आपका खराब हो रहा है। संजय जी, राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी है वो किसी जाति की, जिस प्रकार से आपने जो चर्चा की, बीकानेर के अंदर दोनों ही, चाहे कांग्रेस का हो चाहे भाजपा का हो, दोनों ही मेघवाल प्रत्याशी हैं। अगर वहां पे तीसरा कोई प्रत्याशी है तो ये आंकलन किसका हो सकता है, वो अपना एक रिपोर्टर का नजरिया हो सकता है। हाँ। लेकिन राजस्थान का मतदाता ये जानता है। हाँ। कि इस राजस्थान के जो स्वार्थ को अगर कोई बना के रख सकता है। हाँ। अगर राजस्थान के अंदर वादों पे अगर कोई खड़ा हो सकता है। हाँ। अगर राजस्थान की गरीब की आवाज कोई बन सकता है। हाँ। अगर राजस्थान के युवाओं की अगर कोई आवाज बन सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी बन सकती है। ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है, परमिशन नहीं दूंगा, आप बोलिए इस वक्त, फिर कभी बोल दीजिएगा आपने ये बात। अलका सिंह जी मैं रोकूंगा, कुलवाल साहब मैं, मेरे पास 10 सेकंड है, ये बताइए, तो सुन लिया आपने, आप बता दीजिए कितनी सीटें जीतेंगे आप, समय खत्म हो गया है, आखिरी सवाल आपसे ये। देखिए संजय जी, हम जो जीतेंगे ना, जीत के आने के बाद बोलेंगे। हाँ। ये लोग बिना जीते 25-25 सीट जीतना चाहते हैं। हाँ। तो इन दोनों को 25-25 सीट हमारी तरफ से मुबारक। सर आप भी 25 बोल दीजिए, बताएंगे हम अपने, आप भी 25 बोल दीजिए, बोल दीजिए। नहीं नहीं हम नहीं बोलेंगे, हमें झूठ बोलना नहीं आता। ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपकी पार्टी वाकई में जहां जहां आप उम्मीद कर रहे हैं उम्मीद के हिसाब से आए, ताकि मुकाबला जितना कंपटीशन होता है उतना मजा आता है। अच्छा, दिन भर जो हमने सवाल पूछा एक बार आप सभी लोग सुन लीजिए, उसके बाद खत्म करेंगे प्रोग्राम को। राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस का खेल बीएसपी बिगाड़ सकती है, लोगों ने क्या कहा देखिए। 17% लोगों ने कहा है नहीं ऐसा, उसका प्रभाव कुछ इलाकों में है। 83% लोगों ने कहा है नहीं और 17 लोगों ने हाँ कहा है, 17% लोगों ने। ठीक है, आप सभी का शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए, वक्त देने के लिए। लेकिन आज के सवाल के बाद और आज के इस डिबेट के बाद यही कहा जा सकता है कि वाकई में दोनों पार्टियां, कांग्रेस बीजेपी तो बड़ी पार्टियां हैं, लेकिन बीएसपी को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो यूपी से सटा हुआ इलाका है जहां पर ट्राइबल्स की आबादी अच्छी खासी है, वहां पर वाकई में बीएसपी के हार्डकोर वोटर हैं जो न कांग्रेस में जाते हैं, न बीजेपी में जाते हैं, न दूसरी पार्टी में जाते हैं, वो बीएसपी को चुनते हैं। अगर कुछ और वोट यहां पर मिल गए तो वाकई में दोनों पार्टियों की 25-25 का जो आंकड़ा सजा कर रखा है उसमें कहीं ना कहीं सेंधमारी कर सकते हैं। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही।